हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज है 16 फरवरी और आज है भारत बंद। आज हम लोग जा रहे हैं ऑफिस, देखते हैं सड़क पर भारत बंद होता है कि नहीं होता। ऑफिस तो चलता रहेगा और मेरे भैया भी चलते रहेगा। चलो चलते, ठंडी हो रही है बहुत ज्यादा, चलते हैं और देखते हैं सड़क पे क्या हाल है। भैया को बैठा दिया अंदर, लेकिन सामने तो हल्की हल्की धूप लग रही है यार, लेकिन ठंड हो रही है भैया हल्की, मुझे तो लग रही है ठंड। तो भैया स्कूल जो है खुला हुआ है, बच्चों की बसेस जा रही हैं और सामने बच्चा भी जा रहा है स्कूल। इधर भी बच्चे वेट कर रहे हैं स्कूल का। धूप हो रखी है बहुत ज़्यादा, मैंने तो हाफ जैकेट डाला है आज। सामने अंकल जी जा रहे हैं बाइक पे, झंडा लगाए है। तो भाई गौर चौक से लेके पटला से अभी हम 71 के आगे वाले पुल पे हैं। यहाँ तो कोई नामो निशान नहीं है भारत बंद का, सुबह सुबह होगा भी नहीं, 10-11 बजे चालू होगी शायद एक्टिविटीज। स्कूल्स खुले हुए हैं, ऑफिसेस खुले हुए हैं और आगे देखते हैं। ये हमारा भैया मस्ती कर रहा है, मखाना खा रहा है। हमने एस्कॉन टेम्पल आ गया नोएडा वाला, ये रहा। उसके बगल में इसी के जस्ट पीछे है नोएडा हार्ट, कभी आपको आना होगा वहाँ आ सकते हो। वो पीछे रहा प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे। ये देखो कुछ लगा भी हुआ है, मेला चल रहा है। गाड़ी को ऊपर रख दिया इन्होंने। सेक्टर 10 के फर्नीचर मार्केट क्रॉस कर रहे हैं हम। अंदर वाले रास्ता लिया आज हमने, एक्सप्रेस वे नहीं लिया है, दिल्ली मेरठ वाला। दिल्ली का एक बॉर्डर ये भी है, बहुत कम लोगों को पता है। ये देखो यहाँ सीधे चले जाओगे धर्मशिला मयूर विहार, यहाँ पर भी टोल कटता है। ये रहा, अगर आप प्राइवेट कैब से आते हो तो। अभी हम लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे, शॉर्टकट है, मयूर विहार जाएंगे, फिर मयूर विहार से हम लोग निकलेंगे लोधी रोड, फिर लोधी रोड से जाऊँगा मैं सरकार विहार। यहाँ देखो इस बॉर्डर पे कोई भी नहीं रहता है, खाली रहता है। ये 8:29 हो गया है, अब आ गए हैं भैया की नानी के यहाँ। भैया को छोड़ेंगे वहाँ, फिर पूजा को ऑफिस छोड़ेंगे, फिर मैं ऑफिस जाऊँगा। जा रही है पूजा छोड़ने भैया को। इस गली में आप लोग मत आइएगा कभी, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ तो जाम लग गया है यार डीएनडी के पास, वहाँ पर पूरा इंतजाम कर रखा है रास्ता रोकने के लिए। आर्मी की एक टुकड़ी लगी हुई है, कैंप लगा हुआ है, ये देखो आप, ये देखो दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है क्योंकि आगे डीएनडी है। यमुना जी दिख रही होंगी आपको साइड से, खाली था डीएनडी और ये सामने आश्रम वाला जा रहा है रास्ता। एक्चुअली हम लोग टाइम से इसलिए हम लोग बच गए। तो पूजा भी हम लोग डीएनडी क्रॉस किए हैं। तो डीएनडी का फुल फॉर्म क्या है बताना जरा? दिल्ली नोएडा डायरेक्ट। अरे वाह क्या बात है, किसने सिखाया तुम्हें? कहाँ से, क्या बात है, ऐसे ही यार तुम सीखती जाओ तो मेरा कितना दिमाग खराब नहीं होगा। धन्यवाद। पिताजी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, यहीं पर कॉमनवेल्थ का गेम्स हुआ था, तभी ये बनाया गया था। 2010 की बात है, 2024 आ गया है, 14 साल हो गए बने हुए। और ये मैडम रील देख रही है। भैया अब आ गए हैं दिल्ली के उस कोने में जहाँ पे आने से लोगों को डर लगता है, सीबीआई ऑफिस। इस गली के अंदर है सूचना भवन और ये सामने सीबीआई की बिल्डिंग, और यहाँ पर एक लाल मस्जिद, जैसे लाल किला वैसे लाल मस्जिद भी है। दी रोड के पास एक चर्च है, और ख़ास बात है इस चर्च के बगल में ही है गोल गुंबद, ये रहा, ये देख रहे हैं आपको। यहाँ पर भी एक टुकड़ी लगा रखी है दिल्ली पुलिस की, और ये रहा लोधी होटल। मैया बैग भूल गई थी। मैया
भाई 8:52 हो गया यार, पूजा को छोड़ दिया ऑफिस। बहुत सही टाइम पे हम लोग निकले थे, 10 मिनट पहले निकले। देखो सब कुछ स्मूथ चल रहा है अभी तक, तो आगे का पता नहीं। अब मैं ऑफिस देखो कितने बजे पहुंचता हूँ, यहाँ से 20 मिनट लगेगा मुझे लगता है। चलो चलते हैं। मुद्दिन क्रॉस कर लिया और रास्ते में ये बहुत खूबसूरत सी एक चौराहा पड़ता है जहाँ पर ये पहुँच सके। गली के अंदर ही निजामुद्दीन दरगाह, ऑफिस चलते हैं। वही 9:15 हो गया, अब मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस और 25 मिनट लगे। ट्रैफिक थोड़ा कम लग रहा है मुझे, देखते हैं शाम को क्या हाल होगा, क्योंकि दोपहर में एक्टिविटी चालू हो जाएगी। दिखा तो रहेंगे गाजीपुर में बंद है न्यूज़ में, वो वाला हम रास्ता लेंगे ही नहीं। चलो ऑफिस करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ऑफिस से निकल गए और D&D पे पहुंच गए, और D&D पे लगा हुआ है जाम थोड़ा सा। इधर भी देखो चारों तरफ से जाम ही जाम दिख रहा है, और यमुना जी वेट कर रही हैं कि ये जाम कब ख़त्म होगा। तो भाई ये ट्रक वाला किसी जनरेटर लिए जा रहा है। अरे अरे इधर पुलिस की गाड़ी लगी हुई उस साइड, और वो मेकशिफ्ट जो बनाया था सुबह इन्होंने, वो भी देखो वो लगा हुआ है अभी, लेकिन जाम लगा है पर भी लगा हुआ है जाम। जाना है मयूर विहार की तरफ D&D, अब जाके थोड़ा खाली हुआ है। ये भी एक D&D का पार्ट है यहाँ पर, टोल नहीं लगता है। अब बलिडे इन पहुंच गए हैं और इतनी बदबू आती है यहाँ पर, क्या बताएं यार, कैसे होटल बना लिया इन्होंने। तो 6:54 हो रहा है, भैया को पिक कर लिया हमने। नानी के आचे नहीं, नानी के आचे। हाँ बज गए हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल क्रॉस कर रहे हैं, और कोई भी जाम नहीं मिला हमें यार आज। थोड़ा सा जाम था D&D के पास बस। तो भैया मेरा भैया भाई फोर्टिस ने ऐड लगा रखा है, जब भी इमरजेंसी हो काउंट ऑन अस, क्योंकि सामने है कैलाश हॉस्पिटल। नहीं सामने कैलाश हॉस्पिटल है और भैया वहाँ चक्के। तो ट्रैफिक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल गया ट्रैफिक से। भैया सुबह 7:30 हो रहा है, सुबह 7:45 के अप्रॉक्स परथला क्रॉस किया था, और अब शाम को भी वही टाइम हो गया है। ये है हम लोगों की चौक पे, थोड़ा सा शाम को जो रहता है रश, वही हमारा मजे ले रहा है। खेल रहे हैं ये, पीछे से टकलू लग रहे हैं एकदम। तो भाई बाहर जो है बहुत हवा चल रही थी, भैया थोड़ा ठंडा लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था। टोपी पहना दिया इनको, और घर पहुंचने वाले 12 घंटे हो जाएंगे सुबह से निकले हुए, आई थिंक 8 बजे से 8 बजे का। तो भाई 7:50 पे निकले थे सुबह, और 7:50 शाम के हो गए, मैंने आपको बताया 12 घंटे हो गए। भैया भी थक गया है, और इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। और आज भारत बंद का कोई असर नहीं हुआ भाई, ऑफिस चला, स्कूल चला, और हम लोग घर भी पहुंच गए हैं। तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।